आधुनिक विश्व के इतिहास में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि यह टॉपिक थोड़ा विस्तार वाला है, विस्तृत है, इसलिए हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को कुछ भागों में विभाजित करके अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, जिससे हम इसे सांगोपांग रूप से समझ सकें, अच्छी तरह से इसका हम अध्ययन कर सकें। आज संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं शॉर्ट में, और अमेरिका भी कहते हैं, उसकी विश्व में जो स्थिति है उसके बारे में हम कमोबेश रूप से सब जानते हैं। विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में इस देश को निरूपित किया जाता है, और यूएसएसआर के विघटन के बाद दो ध्रुवीय जो विश्व था शक्ति के रूप में, वह अब एक ध्रुवीय विश्व के रूप में परिवर्तित हो गया है। परंतु क्या हम ये भी जानते हैं कि आज की आर्थिक रूप से महाशक्ति, सैन्य बल के रूप में महाशक्ति, वैज्ञानिक आविष्कारों के रूप में महाशक्ति, यह अमेरिका एक समय में ब्रिटेन का गुलाम था, और इसे भी ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करना पड़ा था, युद्ध लड़े गए थे। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के लिए अमेरिका द्वारा प्रयास तो हालांकि काफ़ी पहले से ही शुरू कर दिए गए थे, परंतु 1736 ईस्वी से 1784 ईस्वी तक इसने इंग्लैंड के साथ लंबे युद्ध लड़े, और ये युद्ध स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए थे, इंग्लैंड की गुलामी से मुक्त होने के लिए थे। इसलिए इन युद्धों को अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अमेरिका के इस संग्राम के कारण अमेरिका में तो आधारभूत, जिसे हम मूल परिवर्तन कहते हैं, वो परिवर्तन हुए ही आमूलचूल परिवर्तन हमें अमेरिका में दिखाई देते हैं। इसके साथ ही संपूर्ण विश्व में भी अमेरिका की क्रांति के, अमेरिका के स्वतंत्र संग्राम के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए एक ऐसा संदेश गया जो युग परिवर्तनकारी था। इसलिए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को भी, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को अमेरिकी क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिका के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के बाद आइए हम जानने की कोशिश करते हैं अमेरिका के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। हम लोग अमूमन जानते हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, अर्थात यूरोप के बारे में जानकारी कोलंबस ने अमेरिका की दी। यह कोलंबस स्पेन का एक नाविक था जो भारत को खोजने के लिए निकला था। 15वीं शताब्दी में यूरोप के देशों ने भौगोलिक खोजें करने का प्रयत्न किया था, समुद्री मार्गों की खोजों का प्रयत्न किया था, क्योंकि स्थल मार्गों के ऊपर कुछ शक्तिशाली शक्तियों का अधिकार हो गया था, और इसलिए यूरोप के देशों को व्यापार करने के लिए कुछ वैकल्पिक मार्गों की आवश्यकता थी, और इस सिलसिले में बहुत सारे समुद्री मार्गों की खोज के लिए प्रयत्न किए गए। पुर्तगाल, स्पेन जैसे यूरोप के देशों ने इसके लिए बहुत बड़े प्रयत्न किए, और इस सिलसिले में वास्को डी गामा भारत आकर पहुँचा। उसी प्रकार भारत की खोज के लिए स्पेन का ये नाविक कोलंबस
निकला था, परंतु समुद्र में वह रास्ता भटक गया और भटकता हुआ वह 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में अमेरिकी महाद्वीप के एक देश जिसका नाम वेस्टइंडीज है उसकी भूमि पर पहुंचा। इसलिए कहा जाता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। हालांकि अभी माना जाता है कि अमेरिका पहुंचने वाला कोलंबस पहला यूरोपीय व्यक्ति नहीं था। आइसलैंड और ग्रीनलैंड में रहने वाले नॉर्थ समुद्री लोगों ने 1000 ईस्वी के आसपास अमेरिका पहुंचे थे, परंतु अमेरिका में पहुंचे जरूर, परंतु उन्होंने अमेरिका के विषय में कोई विशेष जानकारियां प्रदान नहीं की। इसलिए उनका वहां पहुंचना एक प्रकार से कोई ज़्यादा प्रकाश में नहीं आया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर ली, परंतु अमेरिका का नाम कोलंबस के नाम पर नहीं पड़ा। अमेरिका का नाम एक इटली के खोजकर्ता अमेरिकी वेस्पुची के नाम पर पड़ा। ये खोजकर्ता जिसका नाम अमेरिकी वेस्पुची था, उस अमेरिकी के नाम पर इस देश का नाम अमेरिका पड़ा। अमेरिकी वेस्पुची 1499 ईस्वी में अर्थात कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के 7 वर्ष बाद अमेरिकी महाद्वीप पहुंचा था, और वहां पहुंचने के बाद उसने अमेरिका के विषय में यूरोप के लोगों को विस्तृत जानकारियां प्रदान की। तो अमेरिका को प्रकाश में लाने वाला व्यक्ति, अमेरिका के विषय में बहुत सारी जानकारियां देने वाला व्यक्ति अमेरिकी वेस्पुची था, और इसीलिए इसी के नाम पर लोगों ने अमेरिका को जाना, और इसलिए उस देश का नाम, जिस देश का वर्णन अमेरिकी वेस्पुची ने किया, उसका नाम अमेरिका पड़ा। हम लोग ये भी जानते हैं कि अमेरिका एक महाद्वीप भी है, और इसी महाद्वीप के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे हम शॉर्ट में यूएसए या अमेरिका कहते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत पड़ता है, जिसका अध्ययन हमें आज इस टॉपिक में करना है। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियंस कहा जाता है। इनका नाम रेड इंडियंस क्यों पड़ा, ये भी एक इंटरेस्टिंग विषय है। जब कोलंबस अमेरिका की धरती पर पहुंचा, तब उसके तो दिमाग में यही था कि उसने इंडिया की खोज कर ली है, क्योंकि वह भारत या अर्थात इंडिया की खोज के लिए निकला था, और उसे पता भी नहीं था कि वह रास्ता भटक चुका है, और रास्ता भटक कर किसी अन्य जगह पर वो पहुंच गया है। उसने सोचा कि ये जो तट है, ये भूमि है, ये इंडिया की भूमि है, और वहाँ पर उसने वहाँ के मूल निवासियों को देखा, जिनका जो वर्ण था वो किंचित लाल रंग का था, इसलिए लाल अर्थात रेड, और देश कौन सा, उसकी नज़र में इंडिया, इंडिया के रहने वाले इंडियन, और इसलिए उन लोगों को उसने रेड इंडियन कहा, और आगे जाकर अमेरिका के मूल निवासियों के लिए यही नाम विख्यात हो गया। वहाँ पर अमेरिका में रेड इंडियंस की संख्या, जिन्हें हम मूल निवासी भी उनकी कहते हैं, वो 16वीं शताब्दी में खासकर अमेरिका में लगभग 10 लाख से भी कम थी, और ये अलग अलग जातियों में और बटे हुए थे, और अलग अलग भाषाएं ये लोग बोलते थे। यूरोप के लोग जब अमेरिका पहुंचना शुरू किया उन्होंने, तो धीरे धीरे उन्होंने इन रेड इंडियंस जो वहाँ के मूल निवासी थे उनको दबाना शुरू किया। अमेरिका की कृषि भूमि पर उन्होंने अधिकार कर लिया, और इंडियंस के लिए जो शिकार की भूमि थी वो कम पड़ने लग गई, और परिणाम स्वरूप रेड इंडियंस और यूरोप के जो उपनिवेशवासी थे उनके मध्य संघर्ष शुरू हो गए।
और धीरे धीरे वहाँ पर रेड इंडियंस की संख्या घटती गई, बहुत सारे युद्धों में मारे गए, बहुत सारे बीमारियों के शिकार हो गए, और ये संख्या घटकर 17वीं शताब्दी के आसपास लगभग कुल जनसंख्या का 20% ही रह गई। तो इस प्रकार यूरोप के लोगों ने अमेरिका में वहाँ के मूल निवासियों अर्थात रेड इंडियंस को प्रतिस्थापित करके अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। कोलंबस के बाद यूरोप के अनेक देशों के लोग अमेरिकी महाद्वीप में गए। अमेरिकी महाद्वीप के अनेक देशों में उन यूरोपियन देशों के लोगों ने अपना प्रभाव स्थापित किया। स्पेन वाले इसी सिलसिले में अमेरिका गए और उन्होंने 1565 ईस्वी में अमेरिका की फ्लोरिडा में एक बस्ती की स्थापना की जिसका नाम सेंट अगस्टाइन बस्ती थी। यह है बस्ती अमेरिका में यूरोप के लोगों द्वारा बसाई गई पहली बस्ती थी। और उसके बाद धीरे धीरे अमेरिका में यूरोप के अन्य कंट्रीज़ का अन्य देशों का भी आगमन हुआ और फिर उन यूरोपीय देशों ने अमेरिका के भूमि को अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रभाव से अपने अधिकार में कर। उस समय दूसरे देशों के ऊपर अधिकार करने का एक सिलसिला सत्य शुरू हो गया था जिसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और चूंकि यूरोप के लोग इस मामले में एक प्रभावी भूमिका में थे इसलिए इस उपनिवेशवाद में यूरोप के देशों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमने देखा कि स्पेन के लोगों ने वहाँ पर एक बस्ती की स्थापना की थी सेंट अगस्टाइन की। उसके बाद 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड ने भी अमेरिका में इंटरेस्ट लेना शुरू किया और वहाँ से भी बड़ी संख्या में अंग्रेज यानी इंग्लैंड के लोग वहाँ जाने लगे। 1607 ईस्वी में न्यूपोर्ट नामक एक अंग्रेज के नेतृत्व में इंग्लैंड के 104 अंग्रेज लोग अमेरिका की वर्जीनिया नामक प्रांत में पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक बस्ती की स्थापना की जिसे जेम्स टाउन कहा जाता है। तो ये जेम्स टाउन अंग्रेजों के द्वारा स्थापित प्रथम अमेरिकी बस्ती थी। पिछले स्लाइड में हमने देखा कि सेंट अगस्टाइन बस्ती वो स्पेन के लोगों ने वहाँ पर बसाई थी फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा जो आजकल प्रांत है, तो वो यूरोपीय लोगों द्वारा बसाई गई पहली बस्ती थी और जेम्स टाउन अंग्रेजों द्वारा स्थापित अमेरिका की पहली बस्ती थी। और बाद में और बहुत सारे लोग अमेरिका में गए इंग्लैंड से और धीरे 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 वहाँ पर और अन्य बस्तियाँ स्थापित होने लगी। जब अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ तब इन बस्तियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई थी। तो आज हमने किस प्रकार अमेरिका की खोज हुई, यूरोप के संपर्क में आया और किस प्रकार धीरे धीरे अमेरिका में यूरोपीय कंट्रीज के लोगों ने आवर्जन करके वहाँ जाकर वहाँ के मूल निवासियों को प्रभावहीन करके वहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित किया, यह अध्ययन किया। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि किस प्रकार अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और आगे गतिशील होता है।